हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के वीडियो में हम रनिंग स्टैमिना बढ़ाने के लिए क्या करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। ऐसे मैं तीन टिप्स का आपको बताने वाला हूँ। उस तीन टिप्स को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका रनिंग स्टैमिना अच्छे से बढ़ेगा। और दोस्तों अगर आप रनिंग करते हो, कौन सा भी इवेंट करते हो, चाहे 16 मीटर हो चाहे कौन सा भी लॉन्ग इवेंट हो, आपका रनिंग स्टैमिना बिल्कुल नहीं है तो कैसे बढ़े रनिंग स्टैमिना। दोस्तों उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, किस तरह से आपको प्रैक्टिस फॉलो करना चाहिए ताकि आपका रनिंग स्टैमिना बढ़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों रनिंग स्टैमिना बढ़ाने के लिए सबसे पहले टिप्स की बात करेंगे। आपको सबसे पहले जो वॉर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, इसको आपको कंपल्सरी अच्छे से करना है। सबसे पहले ग्राउंड पर आने के बाद अच्छे से स्ट्रेचिंग करेंगे, स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग करना है आपको, जिससे आपकी बॉडी अच्छे से फ्लेक्सिबल होती है, इंजर नहीं होती, आप अच्छे से वॉर एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद 10 या 12 मिनट जॉगिंग करेंगे और फिर स्टैंडिंग वॉर करेंगे, अच्छे से फ्लेक्सिबल होते हैं और इससे भी आपका स्टेमिना बढ़ने में हेल्प होती है। इसलिए वॉर एक्सरसाइज और जब वर्कआउट ख़त्म होता है तो उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, क्योंकि वर्कआउट करने से आपकी बॉडी पूरी मसल आपकी खींची हुई होती है, उसके रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेचेबल करने के लिए, फ्लेक्सिबल करने के लिए आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो ये वॉर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कंपलसरी करें। फिर उसके बाद हम सेकंड टिप्स की बात करेंगे। अगर आपको रनिंग स्टैमिना बढ़ाना है, रनिंग स्टैमिना बढ़ाना है, एंड्योरेंस इंक्रीज करनी है, एंड्योरेंस बढ़ाना है, तब आपको स्लो रनिंग करना चाहिए, स्लो कंटिन्यू रनिंग करना चाहिए। उसमें आपको धीरे धीरे रनिंग करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको ज़्यादा रनिंग नहीं होता तो आप 15 मिनट 20 मिनट रनिंग करें। उसके बाद वीक में 2 बार तो ज़रूर करें। उसके बाद 30 मिनट तक जाए, उसके बाद 40 मिनट तक करें, उसके बाद 50 मिनट तक करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटा तक आप स्लो रनिंग कर सकते हैं। इसके वजह से आपका स्टैमिना अच्छे से इंक्रीज हो जाएगा और स्टैमिना बहुत बढ़ जाएगा। और फिर लास्ट और तीसरे टिप्स की बात करेंगे। स्टैमिना बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको फटलेग वर्कआउट जो होता है वही वर्कआउट करना चाहिए। उसमें स्लो फास्ट रनिंग होता है। वो फटलेग वर्कआउट मतलब क्या, उसमें आपका स्लो फास्ट रनिंग होगा, उसके साथ स्लो फास्ट रनिंग होने के बाद आपका ABC एक्सरसाइज होगा, मतलब आपको विदाउट रेस्ट जितना हो सके ज़्यादा एक्सरसाइज करना है और उसके आपको 2 सेट लगाने हैं, मतलब आपको विदाउट रेस्ट जितना हो सके ज़्यादा वर्कआउट करना है और फिर उसके बाद रेस्ट लेके और 1 सेट करना है। उसमें सबसे पहले आप 200 मीटर फास्ट लगाओ, 200 मीटर स्लो लगाओ, नहीं तो आप ट्रैक पर 100 मीटर फास्ट लगाओ, 100 मीटर स्लो लगाओ, ऐसे आप 10-15 मिनट करो। उसके बाद स्टैंडिंग खड़े रह के आप हाई नी एक्सरसाइज करो, फिर उसके बाद विदाउट रेस्ट आप 30 सेकंड रेस्ट ले सकते हो, उसके बाद हाई नी एक्सरसाइज करो, फिर उसके बाद बर्पी करो, फिर उसके बाद ABC एक्सरसाइज नॉन स्टॉप करो, 30 सेकंड का सेट करो, इससे आपका स्टैमिना बढ़ेगा। फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेके उसके बाद आप 100 मीटर का स्टार्ट लगाओ 2-4, और फिर ये सभी होने के बाद 4-5 मीटर रेस्ट लेके, और दोस्तों ये सभी फटले वर्कआउट सिर्फ 1 दिन का वर्कआउट है, फिर उसके बाद आप 600 मीटर के या 400 मीटर के ऑल आउट लगाओ। इस तरह से ये जो मैंने अभी ये वर्कआउट बताया है उसका आपको 1 सेट करना है, फिर उसके बाद 5 मिनट रेस्ट लेके और 1 सेट करो। इस तरह से अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपका रनिंग स्टैमिना जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों प्रैक्टिस करो, आपका रनिंग स्टैमिना जल्दी बढ़ेगा और 2 हफ्ते में ही आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, किस तरह से मैंने वर्कआउट बताया आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।